हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चॉकलेट गनाश की रेसिपी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि मैं किस तरीके से बनाती हूं। तो वही वीडियो मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूं, क्योंकि आज हम कोई केक का वीडियो नहीं लेके आए हैं, ना ही कोई केक की डिज़ाइन होने वाली है आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, मोर्डे का डार्क कंपाउंड का ये चॉकलेट है। और ये जो एक पैकेट है ये 500 ग्राम का है। मार्केट में आपको 400 ग्राम का पैकेट वाला भी चॉकलेट मिल जाएगा, हमारे तरफ 500 ग्राम वाला पैकेट मुझे मिल जाता है तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। और 1 kg मैंने यहाँ पे चॉकलेट ले लिया है और 1 kg मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम ले लिया है। व्हिप क्रीम मैंने डिलाइट का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप यहाँ पर चाहो तो व्हिप क्रीम भी ले सकते हो, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। और मार्केट में ना जहाँ पर क्रीम वगैरह मिलती है वहाँ पर चॉकलेट वाली क्रीम भी मिलती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं वो नहीं लेती, मैं सिर्फ ये जो व्हिप क्रीम है मैं यही ला के रखती हूँ अपने पास, और जब मुझे गनाश बनाना होता है तो मैं इसी से बना लेती हूँ। वैसे आप चाहो तो फ्रेश क्रीम से भी बना सकते हो, बट मैं वो नहीं खरीदती, मैं व्हिप क्रीम से ही बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से अपने चॉकलेट को निकाल के और इसे बारीक चॉप कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अब तो इतनी गर्मी है कि चॉकलेट को चॉप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बट मैंने यहाँ पर कर लिया है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं प्रोसेस करने वाली हूँ वो मैं गैस पर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई माइक्रोवेव और कोई ओवन नहीं है। मेरा सारा बेकिंग का काम गैस पे ही होता है। और यहाँ पे दोनों जो चॉकलेट का है उसे मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं। अभी कमेंट्स आएंगी कि गनाश ऐसे नहीं बनता है, गनाश वैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं इसी तरीके से बना के एक साथ रख लेती हूँ, मैं बार बार गनाश नहीं बनाती किसी भी केक के लिए। और पिछली वीडियो में मैं चॉकलेट केक बनाई थी उसमें मैंने यही गनाश यूज़ किया था, काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है। और इस गनाश से आप ड्रिपिंग कर सकते हो, केक को अगर कवर करना है चॉकलेट केक को तो आप इस ग्रास से अच्छे से केक कवर हो जाएगा, ना ही ज़्यादा थिक बनता है और ना ही ज़्यादा पतला बनता है। तो मैं इस ग्रास से तो केक की ड्रिपिंग करती हूँ, और केक को कवर करना होता है तब मैं यूज़ करती हूँ। बाकी ट्रफल की अलग रेसिपी होती है। यहाँ पर इस ग्रास में 1:1 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो क्रीम था ये मैंने अलग पतीले में निकाल लिया है, अब इसे बॉयल करना है। तो आप चाहो तो माइक्रोवेव में या ओवन में भी आप इसे गर्म कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो, डबल बॉयलर की मेथड से भी आप बॉईल कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट गैस पे ही बॉईल कर रही हूँ। और जब गैस पे अगर आपको बॉईल करना है तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जो आपकी क्रीम है वो पतीले में लग के जल जाएगी। और जब लो फ्लेम पे भी अगर हम इसे बॉईल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बराबर और एक लगातार इसे चलाते रहना है, बीच में रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने देखा कि जो मेरा क्रीम था ये अच्छे से हो गया था, उबल गया था। और उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पर जो मेरा चॉकलेट था उसे मैं इसमें क्रीम में डाल दूंगी। और क्रीम में डालते ही आपको लगातार इसे चलाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक जाओगे तो फिर आपकी जो क्रीम है वो ठंडी हो जाएगी और आपकी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगी, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा से इसे गर्म करना पड़ेगा, और फिर डायरेक्ट अगर आप इसको गैस पे करोगे तो हो सकता है चॉकलेट जो है वो आपकी जलने की चांस हो सकती है। तो इन सब झंझट से अगर आपको बचना है तो फटाफट आप यहाँ पे आपको हाथ को चलाना है। वैसे तो इतनी गर्मी है तो आराम से यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, विंटर में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या इस तरीके से अगर आप बना रहे हो तो आप कोशिश करना चॉकलेट को और फाइन चॉप करने के लिए और अच्छे से बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो चॉकलेट है ये मेरी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे छान लूँगी, छान के मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आप यहाँ पे आप भी छान ही लेना, क्योंकि कभी कभी इस ग्रास से हमें ड्रिपिंग करनी होती है तो इसे छान लेने में ज़्यादा ठीक सही रहेगा, क्योंकि फिर पाइपिंग बैग में छोटे छोटे अगर बाय द वे चंक्स आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ग्रास को छान लेती हूँ, और ये जो डब्बा है ना मैं इसी में एक साथ बना के रख लेती हूँ। और ये जो न्यूट्रल जेल खरीदते हैं ना ये वही डब्बा है, मैं इसी में एक साथ बना के रख देती हूँ। फ्रिज में या फ्रीज़र में आप रख सकते हो, जब भी आपको जितना ज़रूरी हो आप उतना निकालो, डबल बॉयलर की मेथड से गर्म करो और अपने केक पे यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी है। वैसे आप इसमें चाहो तो बटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रल ग्लेस यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, जो है मैंने आपके सामने ही बनाया है। और वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया है, बस थोड़ा सा फास्ट किया है। और ये देखिए कितनी सिंपल सी
रेसिपी है, सुपर स्मूथ शाइनी जो हमारी ग्नास है ये बनके तैयार हो गई है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।